कानपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने लाल बंगले में लोगों के अंदर जागरूकता देखी, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए उन्होंने सबसे अच्छी पहल लाल बंगले में देखी, जहां पर सीढ़ी लगाकर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश निषेध की व्यवस्था के संबंध में उन्होंने मोहल्ले वालों से संवाद भी किया। डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने होम डिलीवरी का भौतिक सत्यापन किया। लाल बंगला क्षेत्र में सीढ़ी लगाकर मोहल्ले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश निषेध की कार्य की प्रशंसा भी की। फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में कि क्या समस्याएं चल रही हैं, किस तरह से जो है जो लॉकडाउन की स्थितियों का अनुपालन हो रहा है, इसके बारे में एक फील्ड सर्वे फील्ड में देखने, लोगों से बातचीत करने के लिए जैसे रूटीन क्रम में होता है, हम आज लाल बंगला और जमेईपुरवा साइड में आए हुए थे। यहाँ कई इलाकों में घूमा गया, लोगों से बातचीत की गई और जो पता चला, एक तो बहुत अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस हमें लाल बंगला में देखने को मिली कि गलियों के मोहल्लों पर लोगों ने सीढ़ी इत्यादि लगा करके बैरियर लगा रखा है और वहाँ पर कोई भी अपरिचित को नहीं आने देते हैं। यदि जो भी होम डिलीवरी सप्लाई के लिए ठेला ठेलिया सब्जी फल वाला कोई आता है तो आधार कार्ड इत्यादि देख करके ही, या व्यापार मंडल या कहीं से जुड़ा है या कोई आइडेंटिटी उसके पास है, उसे देख करके ही वो गलियों में अपने आने देते हैं। तो लोग स्वयं जो है लॉकडाउन का अनुपालन करा रहे हैं और बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में नहीं आने दे रहे हैं, तो और स्वयं भी कम्युनिटी जो है पुलिसिंग और मॉनिटरिंग के माध्यम से और लोगों को फैसिलिटेट करते हुए कार्य हो रहा है। दूसरा, ये लोग जो है जो हमारा नेटवर्क है, कुछ छोटी छोटी जगहों पर भी लोग कम्युनिटी किचन इत्यादि चला रहे हैं, उनसे ये भी पूछा गया प्रशासनिक सहायता की उसमें, क्योंकि प्रशासन हर समय कम्युनिटी किचन को प्रमोट करने के लिए उनके साथ खड़ा है, लेकिन लोग स्वयं से आगे बढ़कर जो जनसेवा करना चाह रहे हैं उसमें अब जो ही प्रशासन की जिसको मदद की ज़रूरत पहुँचाई जा रही है, किंतु जो लोग नहीं अभी मदद लेकर के वो प्रशासन के साथ समन्वय बना करके जो पहले से व्यवस्था चल रही है, हमने जन सहयोग की उस व्यवस्था को भी यथावत रहने दिया है। खासकर सब्जियों और फलों की आपूर्ति के बारे में देखा गया कि लोग ठेलों पर बिक्री कर रहे हैं और लोगों को फलों की आपूर्ति हो रही है घर घर, और ये व्यवस्था काफ़ी प्रभावी रही है और लोगों से काफ़ी अच्छा इसका पॉजिटिव फीडबैक मिला है। किसी ने कोई दिक्कत के लिए आपको बताया? दिक्कत की ऐसी कोई बात नहीं रही है। हाँ, एक चीज़ पर एक जो फैक्ट्री देखने को मिली जो अभी बंद पड़ी हुई है, जो आइसक्रीम की थी, तो वो लोग जानना चाह रहे थे कि आइसक्रीम इत्यादि बिक सकता है कि नहीं, तो फूड आइटम में होने के कारण और होम डिलीवरी के माध्यम से आइसक्रीम इत्यादि की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आप जो है काउंटर से इसकी बिक्री नहीं कर सकते और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग जो कि सोशल वैक्सीन है इसमें लड़ाई के लिए कोविड-19 के विरुद्ध, तो हम उस पर काफ़ी जोर दिए हुए हैं और लोगों को जो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है गलियों में जो है उनको मिल जा रहा है, और लोगों के जो बातचीत करके पता चला, यदि छोटे छोटे वाहन जैसे ई रिक्शा ठेला और इन सब के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी फेरी के माध्यम से बिक्री को यदि और बढ़ाया जाए तो लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। हम इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस प्रशासन की टीम है, S10 नागरिक सुरक्षा के लोग जो लोग हैं, विशेष करके जो हमने नगर पार्षदों के माध्यम से कम्युनिटी किचन, कम्युनिटी की व्यवस्था, नागरिक आपूर्ति के लिए जिसमें उन्होंने काफ़ी लीड रोल अदा किया है, वह व्यवस्था भी कई जगहों पर बहुत बेहतर ढंग से देखने को मिली है, तो कुल मिलाकर के फीडबैक बेहतर है। कुछ लोगों ने सुबह के समय ये बताया कि जो सब्जी मंडियां इत्यादि हैं वहां से उठान के समय पर थोड़ी भीड़ होती थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व जो है इस व्यवस्था को काफ़ी जोर देते हुए इसको काफ़ी सुधार लिया गया है। धन्यवाद।